Hey friends, in this video we are going to study about the structure of chromosomes. Chromosomes are the carrier of genes or unit of heredity. The meaning of chromosome is colored body because they have the staining ability. So we can stain the chromosome with different kinds of dye and study their structures. So these chromosomes actually means colored body, and they are the carrier of genes or unit of heredity. And when we see the chromosomes are actually not visible in the nucleus because of the high water content, but they can be clearly seen during the cell division. तो अगर कोई हमारे पास सेल है और उसका नॉर्मल न्यूक्लियस है और वो भी सिर्फ ग्रोथ फेज में है, माइटोटिक फेज में उसने एंटर नहीं किया है, तो ये जो हमारा इंटरफेज होता है, इंटरफेज जो न्यूक्लियस होता है उसमें हम क्रोमोसोम्स को नहीं देख सकते. वो क्रोमोसोम्स जो है वो माइटोटिक फेज में हम देख सकते हैं ड्यूरिंग द सेल डिविजन. तो माइटोटिक फेज में हम क्रोमोसोम देखते हैं, जबकि इंटरफेज में जो है हम क्रोमैटिन को देखते हैं. तो क्रोमैटिन ही बाद में चेंज होके कंडेंस होके क्रोमोसोम बन जाता है इन द माइटोटिक फेज. सो क्रोमैटिन ऑफ द इंटरफेज न्यूक्लियस स्टार्ट्स गेटिंग कंडेंस व्हेन सेल डिवीजन बिगिंस. And due to condensation and spiralization, chromatin becomes progressively thicker and shorter. और ये बहुत ज़्यादा thick और short हो जाता है. And at metaphase, which is very important to note down, कि जो metaphase तक जैसे ही cell पहुँचता है तो condensation उस वक्त जो है maximum limit तक पहुँच जाती है chromatin की. So the condensation of chromatin reaches the maximum limit at metaphase stage, and now it looks like a structure which is called as chromosome. तो metaphase condition में जो है हमें chromosomes दिखते हैं, और उससे पहले हमें proper chromosome का एक structure नहीं मिल सकता. तो chromosomes are visible in the metaphase. Now सबसे जो best phase है जिसमें हम chromosomes को देख सकते हैं और count कर सकते हैं, वो हम मानते हैं लेट प्रोफेज को या मेनली मेटाफेज को. तो मेटाफेज जो है इज द बेस्ट फेज टू ऑब्जर्व एंड काउंट द क्रोमोसोम्स. नाउ वी सी दैट क्रोमोसोम्स कंटेन द हेरिडिटरी मटेरियल एंड दे पासिस फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ऑलमोस्ट अनचेंज्ड, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द हेरिडिटरी वेहिकल. तो जितनी भी जीन्स हैं, हमारे जितने भी जेनेटिक मटीरियल है, वो एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन तक क्रोमोसोम की मदद से ही पहुंचता है. बिना क्रोमोसोम्स के हमारा जेनेटिक मटेरियल कभी भी कैरी नहीं किया जा सकता. तो ये कैरियर होते हैं हमारी जेनेटिक्स के या जीन्स के या हेरिडिटी के, तो इनको हेरिडिटरी व्हीकल कहा जाता है. क्रोमोसोम्स हमें पता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेल डिविजन में, हेरिडिटी में, वेरिएशन, म्यूटेशन, रिपेयर, evolution and regeneration. तो इन सारी processes में chromosome अपना बहुत important part play करते हैं. Chemically देखा जाए तो chromosomes जो हैं हमारे पास DNA protein की structures होती हैं. They are thread or road like DNA protein structures which stores and replicate as well as transmit coded information of biological importance. तो जो chromosomes हैं वो दरअसल सिर्फ DNA और protein जो है, इसका एक स्ट्रक्चर है जो कि बहुत डेंसली कंबाइंड हो गया है, कॉम्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा कंडेंसेशन और स्पाइरलाइजेशन के बाद बनता है. तो ये जो डीएनए प्रोटीन जब बहुत ज़्यादा कंडेंस और स्पाइरलाइज्ड हो जाता है, तो उतने कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं, जो कि थ्रेड या रोड लाइक दिखते हैं. और हमें पता है कि ये इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं, कोडेड इन्फॉर्मेशन होती है of biological importance. तो ये सारा काम जो है क्रोमोजोम करते हैं. यहाँ पे हमारे पास साइंटिस्ट हैं सटन, सुटॉन एंड बोवेरी. दे एक्चुअली प्रपोज द क्रोमोजोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. इन दोनों साइंटिस्ट ने बताया था कि जो क्रोमोजोम्स हैं वो किस तरह से इनहेरिट होते हैं एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक. मतलब जो यूनिट है, जो कैरियर ऑफ जीन्स है, वो क्या है? क्रोमोजोम है. तो क्रोमोसोम्स आर एक्चुअली द फिजिकल कैरियर ऑफ जीन्स. अब हम देखेंगे क्रोमोसोम्स की कुछ इम्पॉर्टेंट हमारे पास इंफॉर्मेशन कि क्रोमोसोम्स के पास क्या क्या चीज़ें होती हैं. हमें पता है कि एक क्रोमोसोम, एक जो ह्यूमन सेल है, वो कंटेन करता है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स.
जिसका मतलब है हमारे अंदर, हमारे हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, जिसमें से 22 पेयर्स जो हैं वो ऑटोसोम्स की तरह काम करते हैं, जबकि एक जो है वो सेक्स क्रोमोसोम की तरह काम करता है. तो वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज द सेक्स क्रोमोसोम, वाइल दी 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर दी ऑटोसोम्स, एंड अ ह्यूमन सेल कंटेन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. उसके बाद हम देखते हैं कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो हमेशा प्रिजर्व्ड रहता है माइटोटिक डिवीजन में. हम माइटोसिस में देखते हैं कि क्रोमोसोम नंबर कभी भी चेंज नहीं होता, पर मियोसिस में जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है इन द गैमेटिक सेल. तो हमारी बॉडी के जो गैमेटिक सेल होते हैं उसमें जो क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं वो रिड्यूस्ड होते हैं. क्यों रिड्यूस्ड होते हैं? बिकॉज आगे जाके फर्टिलाइजेशन होती है जिसमें जायगॉट तैयार होता है और वो फिर से डिप्लॉयड कंडीशन को मेंटेन कर लेता है. तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पे हम माइटोसिस देखते हैं और रिड्यूस्ड कंडीशन हम मियोसिस के अंदर देखते हैं. इसके बाद हम देखेंगे कि क्रोमोसोम्स के अंदर एक और टर्म आती है विच इज कैरियोटाइप. तो ये कैरियोटाइप क्या होता है? एक टेक्निक होती है जिससे हम क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर्स को पढ़ सकते हैं. इसमें हम क्या करते हैं कि क्रोमोसोम्स को आइसोलेट करते हैं, स्टेन करते हैं और उसके बाद उसको फोटोग्राफ करते हैं. और ये टेक्निक हमें काम आती है टू फाइंड आउट द क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, कि क्रोमोसोम के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, उसका स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए, उसका नंबर काउंट करने के लिए. तो उस चीज में हम करते हैं कैरियोटाइपिंग. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम बात कर लेते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर. तो यूकैरियोट्स के अंदर हम देखते हैं कि जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है और डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स के इंटरेक्शन से क्रोमोसोम्स बनते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर हमें पता है कि जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता ही नहीं है. तो वो जो है एकदम साइटोप्लाज्म के अंदर होता है और उसको हम न्यूक्लियॉइड बोलते हैं. और जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ प्रोकैरियोट्स में कॉम्पैक्ट नहीं होता, इंस्टेड वो पॉलीएमाइंस के साथ कॉम्पैक्ट होता है और कोई क्रोमोसोम जैसा स्ट्रक्चर नहीं बना पाता. अगर हम क्रोमोसोम के अलग अलग शेप्स को देखें तो हमें पता है कि मेजर यहाँ पे चार शेप्स होती हैं, विच इज मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक. यहाँ पे देखो, मेटासेंट्रिक का मतलब होता है कि जो सेंट्रोमियर पोर्शन है वो सेंटर में है और पी आर्म एंड क्यू आर्म इक्वल है, तो इसको मेटासेंट्रिक बोलते हैं. जबकि सब मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर थोड़ा सा ऊपर होता है, ऊपर वाली आर्म छोटी और नीचे वाली आर्म लंबी होती है. एक्रोसेंट्रिक में हम ये देखते हैं कि ऊपर जो हमारे पास ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर है ये सैटेलाइट को डिनोट करते हैं, तो ये सैटेलाइट डीएनए जो है एक्रोसेंट्रिक में आता है. जबकि टीलोसेंट्रिक में हम देखते हैं कि जो सेंट्रोमियर है वो टर्मिनल पोर्शन पे होता है और सिर्फ इस पे दो आर्म्स प्रेजेंट होती हैं. मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल, वाइल टीलोसेंट्रिक टाइप ऑफ क्रोमोसोम स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन द ह्यूमंस. यहाँ पे हम एक छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं, देख लेते हैं कि किस तरह से एक डीएनए जो है क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होता है. तो ये हमारे पास 2 नैनोमीटर का एक नॉर्मल डीएनए स्ट्रक्चर है. अब ये डीएनए जैसे ही हिस्टोन प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करता है तो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन की इंटरेक्शन के स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं. इसके बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे कि न्यूक्लियोसोम किस तरह से तैयार होता है. उसके बाद जब न्यूक्लियोसोम बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट और स्पायरलाइजेशन और कंडेंसेशन करना शुरू कर देता है तो वो एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम सोलेनॉइड कहते हैं, और सोलेनॉइड फर्दर कंडेंस होकर एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर. एंड दिस क्रोमैटिन फाइबर इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द इंटरफेज ऑफ द न्यूक्लियस. तो हम जब नॉर्मल न्यूक्लियस को देखते हैं जो कि ग्रोथ फेज में होता है, डिवाइड नहीं कर रहा होता, उस टाइम पे जो हम न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटीरियल देखते हैं वो क्रोमैटिन फाइबर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. जब क्रोमैटिन फाइबर जो है फर्दर हम माइटोटिक एम फेज में सेल साइकिल के चले जाते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से क्रोमेटिन फाइबर खुद को कंडेंस करके क्रोमेटिड बनाती है, और ये जो क्रोमेटिड की आर्म्स होती हैं ये धीरे धीरे कंडेंस होके 1400 नैनोमीटर का क्रोमोजोम बनाती हैं जिसको हम मेटाफेज के अंदर अच्छे से देख सकते हैं. तो ये हमारे पास स्टेजेस ऑफ कंडेंसेशन ऑफ डीएनए यहाँ पे हो गया. अब हम यहाँ पे देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को अगर हमें थॉरली पढ़ना है तो सबसे पहले उसके डायग्राम की ओर अच्छे से ध्यान देना होगा. तो ये जो हमारे पास डायग्राम है, ये डायग्राम रिप्रेजेंट करता है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. तो ये सारा का सारा जो है एक स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम है. सबसे पहले हम इस ऊपर वाली आर्म को, बीच वाले पोर्शन को देख लेते हैं यहाँ पे. तो हम देख सकते हैं कि जो क्रोमोसोम का हमारे पास ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ पे,
तो सबसे ऊपर हम देख रहे हैं द टर्मिनल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम इज एक्चुअली कॉल्ड एज द टीलोमियर. टर्मिनल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज टीलोमियर. जो सबसे बाहरी लाइन है क्रोमोसोम की उसको पेलिकल कहते हैं, और अंदर जो मैट्रिक्स प्रेजेंट है, जो लिक्विड प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स. सो टीलोमियर इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, द आउटर लाइनिंग इज पेलिकल, इनर लिक्विड पार्ट इज द मैट्रिक्स. और उसके बाद हम देखते हैं ये पूरी की पूरी जो आर्म है, इस पूरी की पूरी आर्म को हम क्रोमेटिड बोलते हैं. सो दिस होल आर्म इज एक्चुअली क्रोमेटिड. ऊपर वाली आर्म को भी क्रोमेटिड बोलेंगे, नीचे वाली आर्म को भी क्रोमेटिड बोलेंगे. और दोनों आर्म्स का नाम होता है, ऊपर वाली आर्म को हम पी आर्म कहते हैं और नीचे वाली आर्म को हम क्यू आर्म बोलते हैं. उसके बाद हम देखेंगे क्रोमोमियर. ये जो बीड लाइक ब्लैक ब्लैक डॉटेड स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, इनको हम क्रोमोमियर कहते हैं. अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जो लंबी लंबी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स के अंदर हमें दिख रही हैं, दैट्स एक्चुअली क्रोमैटिन. एंड वी नो दैट क्रोमैटिन जो है वो एक फाइबरस स्ट्रक्चर होता है जिसमें डीएनए प्रोटीन के साथ कॉम्पैक्ट प्रेजेंट होता है. फिर यहाँ पे हम देखेंगे क्रोमोनीमा. क्रोमोनीमा भी एक हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, जब बहुत ज़्यादा ये क्रोमैटिन फाइबर्स आपस में लगे होते हैं. तो ये यहाँ पे हम देखते हैं, जब हम ये प्रोटीन, अगर किसी भी डीएनए में से प्रोटीन निकाल देते हैं, तो हमें क्रोमोनीमा टाइप ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे मिलता है. उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये जो सेंट्रल पोर्शन है किसी भी क्रोमोसोम का, उसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर को हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं. सो दिस इज एक्चुअली सेंट्रोमियर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन. और इस प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के आसपास एक प्लेट लगी होती है, दोनों तरफ लगी होती है, उसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर. सो काइनेटोकोर इज द प्लेट विच इज बाउंड अराउंड द सेंट्रोमियर, एंड सेंट्रोमियर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन. अब इस प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेंट्रोमियर के अलावा वी हैव अनदर स्ट्रक्चर इन द क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन. अब हम देख सकते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन ये कहाँ, इस रीजन से पतली है. तो हमने हमें पूरा क्रोमोसोम की हमने ये क्यू आर्म देखी, तो क्यू आर्म में ये जो रीजन है ये हल्का सा हमें पतला नजर आता है, थिन नजर आता है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द आर्म. सो दिस इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन विच इज ऑलवेज फाउंड इन द टर्मिनल पोर्शंस. मतलब टर्मिनल से थोड़ी सी नीचे हमें दिखती है. सेंटर में जो होती है वो सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, और जो डिस्टल्स एंड पे यूजुअली प्रेजेंट होती है उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन. और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को हम न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजर रीजन भी बोलते हैं, NOR. सो दिस इज सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन. अब सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद जो स्ट्रक्चर निकल के आता है, प्रोट्यूड आउट होता है, उसको हम सेटेलाइट या ट्राबेंट भी बोलते हैं. सो दिस इज एक्चुअली द सेटेलाइट ऑफ द क्रोमोसोम. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि दिस इज एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया क्रोमोसोम का. अब हम पढ़ते हैं एक एक स्ट्रक्चर को या एक एक पार्ट को डिटेल में. तो सबसे पहले शुरू करेंगे पेलिकल को पढ़ना कि पेलिकल क्या है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पेलिकल है, हमें पता है कि हर एक क्रोमोसोम के पास एक आउटर मेम्ब्रेनस पेलिकल प्रेजेंट होती है विच एनक्लोजेज ए होमोजीनस मैट्रिक्स. पेलिकल एक ऐसी पतली मेम्ब्रेन है जो क्रोमोसोम को एक लेयर प्रोवाइड करती है, और पेलिकल के अंदर क्या होता है, एक होमोजीनस मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है. पेलिकल जो है नॉन जेनेटिक होती है और ये कई केसों में एब्सेंट भी हो सकती है. सो दिस इज अबाउट पेलिकल. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द मैट्रिक्स. तो ये जो हमारे अंदर पोर्शन है, दिस इज ऑल द मैट्रिक्स. अंदर जितना भी लिक्विड पार्ट है दैट इज द मैट्रिक्स. सो वी नो दैट मैट्रिक्स इज एक्चुअली ए जेली लाइक नॉन हिस्टोन प्रोटीन कंटेनिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ आर एन ए, ट्रेसिस ऑफ लिपिड्स. मैट्रिक्स, लिपिड मैट्रिक्स एंड पेलिकल आर मेड अप ऑफ ए क्रोमेटिक एंड नॉन जेनेटिक मटीरियल. तो हमें पता है मैट्रिक्स भी एक होमोजीनस मिक्सचर है जिसमें हम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, जेली लाइक सबस्टांस जैसे कि थोड़े से अमाउंट में आर एन ए, थोड़ी सी लिपिड्स देख सकते हैं, और ये नॉन जेनेटिक मटीरियल से बना होता है. तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि बोथ पेलिकल एंड मैट्रिक्स आर मेड अप ऑफ नॉन जेनेटिक मटीरियल. और ये पेलिकल और मैट्रिक्स को हम स्टेन नहीं कर सकते किसी भी तरीके की डाय से, इसलिए हमें इनका ट्रू स्ट्रक्चर और फंक्शन नहीं पता. नेक्स्ट हम देखते हैं क्रोमेटिड. तो जो क्रोमेटिड है हमारे पास, सो दिस इज एक्चुअली द क्रोमेटिड. ये जो आर्म है पूरी की पूरी, सिस्टर क्रोमेटिड हम इसको भी बोलते हैं जब एक और आर्म प्रेजेंट होती है. तो जो क्रोमेटिड है, दिस इज द आर्म विच इज पी आर्म एंड क्यू आर्म, इनको हम क्रोमेटिड्स बोलते हैं. दोनों स्ट्रक्चर्स को, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर्स को हम क्रोमेटिड बोलते हैं.
तो हमें पता है कि ईच क्रोमोसोम हैज टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड विच इज विजिबल इन माइटोटिक डिवीजन. एंड एनाफेज में हम क्या देख सकते हैं, एट एनाफेज ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट्स एंड माइग्रेट्स टू ऑपोजिट पोल. तो एनाफेज के अंदर क्या होता है, जितने भी सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं क्रोमोसोम में वो सेपरेट हो जाते हैं और दो अलग अलग पोल्स पे चले जाते हैं. ये हम देखते हैं माइटोटिक सेल डिवीजन में एनाफेज के अंदर. सो दिस इज अबाउट द क्रोमेटिड. नेक्स्ट लेट्स सी व्हाट इज क्रोमोनीमा. तो क्रोमोनीमा जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे हमने देखे हैं इसके अंदर, दिस इज द क्रोमोनीमा. ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें है क्रोमोनीमा शो कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्रोमोनीमा क्या है, अगर हम क्रोमोसोम्स को ट्रिप्सिन के साथ ट्रीट करते हैं, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन्स को रिमूव कर देता है, इससे क्या होता है कि जो हर एक क्रोमेटिड है इट इज सीन टू कंजिस्ट ऑफ टू सब क्रोमेटिड्स एंड सब क्रोमेटिड रिप्रेजेंट्स द क्रोमोनीमाटा. ईच क्रोमोनीमा में भी कंपोज ऑफ 2 to 32 फाइबर्स, मतलब बहुत सारे क्रोमेटिन के अगर फाइबर्स को हम एक साथ इकट्ठा कर देते हैं तो वो क्रोमोनीमा को शो करता है. और अगर हम किसी भी क्रोमोसोम को ट्रिप्सिन एंजाइम के साथ ट्रीट करके प्रोटीन्स को रिमूव कर देते हैं तो हम देखते हैं कि हर एक क्रोमेटिड जो है वो क्या कंजिस्ट करता है, सब क्रोमेटिड्स कंजिस्ट करता है और सब क्रोमेटिड्स के अंदर क्या होता है, क्रोमोनीमाटा. और क्रोमोनीमाटा क्या है, क्रोमोनीमा ही है जो कि बहुत सारे फाइबर्स से बना होता है. हम देख सकते हैं कि जो क्रोमोनीमा के फाइबर्स होते हैं दो अलग तरीके की कॉइलिंग शो करते हैं, विच इज पैरानेमिक कॉइलिंग एंड प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग. ये कॉइलिंग है फाइबर्स की जो कि डीएनए कंटेन करती है. तो दिस इज द क्रोमोनीमा. और ये जो कॉइल्स हैं हमारे पास, ये बहुत सारे फाइबर्स अलग अलग तरीके से क्या होते हैं, कॉइल्ड होते हैं और ये अलग अलग जो है स्पेसिफिकेशन शो करते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया दो तरह की कॉइलिंग होती है, पैरानेमिक एंड प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग. इन द पैरानेमिक कॉइलिंग फाइबर्स आर इजिली सेपरेबल एंड इज रिपोर्टेड इन मियोसिस. तो मियोसिस के अंदर हम देखते हैं पैरानेमिक काइंड ऑफ कॉइलिंग हो रखी होती है क्रोमोसोम्स के अंदर जो कि इस तरह से है और बड़े इजिली इनको सेपरेट किया जा सकता है. जबकि प्लेक्टोनेमिक में हम क्या देखते हैं कि फाइब्रिल्स आर इंटरवाइंड सो क्लोजली दैट इट्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट देम आउट. तो इन इस तरह की कॉइलिंग को हम सेपरेट करना माइटोसिस में बहुत डिफिकल्ट होता है और ये हम देखते हैं माइटोसिस के अंदर. माइटोसिस के अंदर हम क्या देखते हैं कि क्रोमोसोम्स के अंदर जो फाइबर्स होते हैं वो इस तरह से क्वाइल होते हैं क्रोमोनीमा में और इनको सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाइलिंग, विच इज पैरानेमिक एंड प्लेक्टोनेमिक. अब हम यहाँ पे बात करते हैं सेंट्रोमियर, या जिसको हमने प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन बोला था, जिसके आसपास काइनेटोकोर प्लेट्स लगी होती हैं, उसके बारे में. तो सेंट्रोमियर हमें पता है सेंट्रल पोर्शन जो है क्रोमोसोम का, उसको कहते हैं. अब हम देखते हैं कि जो क्रोमेटिड्स होते हैं या क्रोमोनीमाटा होते हैं, दे आर कनेक्टेड विद सेंट्रोमियर. क्रोमोसोम्स विद वन सेंट्रोमियर आर कॉल्ड मोनोसेंट्रिक, वाइल टू और मोर इन क्रोमोसोम आर कॉल्ड डाइसेंट्रिक विच इज फाउंड इन मेज, एंड अगर मल्टीपल हो तो पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम. मतलब अगर एक, जरूरी नहीं है कि हर एक क्रोमोसोम के पास सिर्फ एक ही सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन हो, एक से ज्यादा भी हो सकता है. एक होगा तो मोनोसेंट्रिक, दो होंगे तो डाइसेंट्रिक और दो से ज्यादा होंगे तो पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम कहलाएगा. और सेंट्रोमियर हमें पता है सेंट्रल पोर्शन है जो कि बल्ज्ड आउट होता है, जिसको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं. अगर क्रोमोसोम के पास सेंट्रोमियर नहीं होता तो उसको एसेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते हैं, और एसेंट्रिक क्रोमोसोम कभी भी सेल डिवीजन में पार्ट नहीं ले सकता. अगर हम सेंट्रोमियर की बात करें तो एक बहुत ही ओवॉइड, मतलब गोलाकार है, नॉन स्टेनेबल स्ट्रक्चर है, और इसको हम, इट्स क्लियर जोन इन विच द फाइब्रिल्स रिमेन अनकॉइल्ड और लेस कॉइल्ड देन दैट इन रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स. तो ये एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे जो फाइब्रिल्स होते हैं डीएनए प्रोटीन्स के जो फाइबर्स होते हैं, ये बहुत ही कम कॉइलिंग करते हैं, अनकॉइल्ड होते हैं, और एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम, बाकी क्रोमोसोम के कंपेरिजन में देखा जाए तो सेंट्रोमियर के अंदर जो फाइबर्स होते हैं वो काफ़ी कम कॉइल्ड या अनकॉइल्ड होते हैं. अगर हम बात करें कि सेंट्रोमियर के अंदर हम क्या क्या देख सकते हैं, तो तीन जोन से जो है सेंट्रोमियर बना होता है, तीन लेयर से, जिसको हम आउटर, मिडल एंड इनर लेयर बोलते हैं. अगर हम आउटर, सबसे बाहर वाली लेयर को देखें तो वो ठीक ठाक डेंस लेयर बनी होती है, उसको हम सेंट्रोमियर प्लेट बोलते हैं. यानी कि आउटर जो होती है दैट इज मॉडरेटली डेंस लेयर एंड इज कॉल्ड एज द सेंट्रोमियर प्लेट. जबकि जो सबसे अंदर वाली होती है वो सबसे ज़्यादा डेंस लेयर होती है और उसके अंदर बहुत सारा क्रोमेटिन फाइबर प्रेजेंट होता है. लेकिन जो मिडिल वन होती है वो कंपेरेटिवली ट्रांसपेरेंट होती है. अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर क्या केस होता है. तो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर लेयर्ड सेंट्रोमियर
एब्सेंट होते हैं, मतलब उनके पास ये आउटर मिडल और इनर लेयर नहीं होती इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेंट्रोमियर में, यहाँ फ्लावरिंग प्लांट्स में चेंज होता है। अगर हम सेंट्रोमियर के अंदर और बात करें तो ईच सेंट्रोमियर इज विद टू डिस्कॉइडल एरियाज। तो मैंने बताया था कि सेंट्रोमियर के पास दो डिस्क टाइप एरिया होते हैं जिसको काइनेटोकोर्स कहते हैं, और काइनेटोकोर्स इज एक्चुअली द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ट्रेक्टाइल स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो जो सेल डिवीजन होती है, सेल डिवीजन के दौरान हम ये देखते हैं कि जो जो जितने भी स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो कहाँ अटैच करते हैं, वो काइनेटोकोर्स पे अटैच करते हैं। और काइनेटोकोर्स क्या होते हैं, एक डिस्कॉइडल एरिया होते हैं जो कि सेंट्रोमियर के आसपास प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं द क्रोमोसोम्स विदाउट सेंट्रोमियर फेल टू ओरिएंट ऑन मेटाफेज प्लेट। मैंने आपको पहले बता दिया कि जो क्रोमोसोम्स हैं जिनके पास सेंट्रोमियर नहीं होगा वो मेटाफेज प्लेट पे ओरिएंट ही नहीं कर सकते हैं। तो क्रोमोसोम विदाउट सेंट्रोमियर दे कैन नॉट टेक पार्ट इन सेल डिवीजन। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सेंट्रोमियर है वो डिवाइड करता है क्रोमोसोम को दो अलग अलग भागों में, एक वो बनाता है शॉर्टर पी आर्म और एक बनाता है लॉन्गर क्यू आर्म। तो पी आर्म और क्यू आर्म हमने वैसे भी डायग्राम के अंदर देख लिया है। अब ये जो डायग्राम है ये रिप्रेजेंट करता है काइनेटोकोर और सेंट्रोमियर को। ये जो सबसे इनर वाला पोर्शन है हम देख सकते हैं, दिस इज सेंट्रोमेरिक रीजन, और ये आसपास जो है स्पिंडल फाइबर्स हैं, और स्पिंडल फाइबर्स अटैच हैं डिस्क लाइक स्ट्रक्चर से जिसको हम काइनेटोकोर बोलते हैं। यहाँ पे जो दो आर्म्स दिख रही हैं दे आर एक्चुअली द सिस्टर क्रोमेटिड। ये भी क्रोमेटिड है, ये भी क्रोमेटिड है, और बीच में ये जो है सेंट्रोमियर है जिसके आसपास काइनेटोकोर है, और काइनेटोकोर के साथ अटैच करते हैं स्पिंडल फाइबर्स इन केस ऑफ सेल डिवीजन। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्रोमोमियर और क्रोमेटिन के बारे में। तो क्रोमोमियर क्या है, जो बीड लाइक स्ट्रक्चर हमने ब्लैक ब्लैक देखे क्रोमोसोम्स के अंदर, ये जो है डीप स्टेनिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि अर्ली स्टेज ऑफ प्रोफेज में बनते हैं, इनको हम बोलते हैं क्रोमोमियर। नेक्स्ट अगर क्रोमेटिन की बात करें तो क्रोमेटिन क्या है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, एक फाइबर है जो कि डीएनए और प्रोटीन के इंटरेक्शन से बनता है। डीएनए हमारे पास हमें पता है, और हिस्टोन्स प्रोटीन्स होते हैं, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के इंटरेक्शन से जो फाइबर्स बनते हैं वो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं। और इंटरफेज में हम देखते हैं कि क्रोमोजोम्स आर विजिबल एज थिन क्रोमेटिन फाइबर्स। तो क्रोमोजोम्स जो है किस तरीके के दिखते हैं, वो क्रोमेटिन फाइबर्स बन के दिखते हैं। तो इंटरफेज में हमें क्रोमोजोम्स नहीं दिखते, इंटरफेज में हमें क्रोमेटिन फाइबर्स ही दिखते हैं इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म। जब जब सेल डिवीजन का वक्त आता है तो यही क्रोमेटिन फाइबर क्या करते हैं, कंडेंस और स्पायरल होके एक जो स्ट्रक्चर अपना लेते हैं जिसको हम क्रोमोजोम्स बोलते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास क्रोमोसोम्स है या जो हमारे पास क्रोमेटिन होता है जो कि क्रोमोसोम्स के अंदर हम देखते हैं, वो दो तरह के क्रोमेटिन्स हमें मिलते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्रोमेटिन्स होते हैं, यू क्रोमेटिन एंड हिट्रोक्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन भी दो तरह का हमें क्रोमोसोम के अंदर मिलता है, दैट इज यू क्रोमेटिन एंड हिट्रोक्रोमेटिन। तो यहाँ अब हम इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। दिस पोर्शन विच इज वेरी लेस टेंगल्ड, ये जो बहुत ही सॉल्व पोर्शन हमें दिख रहा है जिसमें बहुत ज्यादा ब्रांचिंग फाइबर्स की नहीं हो रखी है, इसको हम यूक्रोमेटिन बोलते हैं। जबकि ये जो टर्मिनल पोर्शन है इसको हम बोलते हैं हिट्रोक्रोमेटिन, जहाँ पे बहुत ज्यादा डेंस जो है ब्रांचिंग हो रखी है, और कितने ज्यादा बीड्स और कितनी ज्यादा हमें फाइबर्स जो है दिखती हैं। तो ये रीजन जो है हिट्रोक्रोमेटिन होता है, जबकि ये वाला जो लेस डेंस रीजन है उसको हम यूक्रोमेटिन बोलते हैं। तो अगर हमें हिट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन के बीच में डिफरेंस बताना हो तो हम कह सकते हैं कि जो यूक्रोमेटिन होता है दैट एक्चुअली कंजिस्ट ऑफ लूजली पैक्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, वाइल हिट्रोक्रोमेटिन कंजिस्ट ऑफ डेंसली पैक्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। उसके बाद हम देखते हैं कि यूक्रोमेटिन जो है वो उसका बहुत कम स्टेन होता है, मतलब उसको जो स्टेनिंग करने की कैपेबिलिटी है वो लाइट स्टेन होता है, डार्क स्टेन नहीं होता। तो इसी को हम हिट्रोपिक्नोसिस कहते हैं। हिट्रोपिक्नोसिस एक एबिलिटी होती है बहुत ज्यादा स्टेनिंग ले लेने की, जबकि यूक्रोमेटिन ऐसी कोई कंडीशन शो नहीं करता, सो इट डजंट एक्सिबिट हिट्रोपिक्नोसिस, वाइल हिट्रोक्रोमेटिन एक्सिबिट हिट्रोपिक्नोसिस। अब हम देखते हैं यहाँ पे लो डेंसिटी डीएनए और हिट्रोक्रोमेटिन में हाई डेंसिटी डीएनए है। यूक्रोमेटिन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में मिलता है, जबकि हिट्रोक्रोमेटिन आपको सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में ही दिखेगा, ये प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं दिखता। यूक्रोमेटिन एक्टिव स्टेट में है, अर्ली रेप्लिकेट करता है, नॉन स्टिकी रीजंस होते हैं इसके, ये जो है इनर बॉडी ऑफ द न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। इट शोज द एक्टिव पार्टिसिपेशन इन ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी एंड इसके कोई अलग अलग टाइप्स नहीं होते, जबकि
हिटरोक्रोमेटिन की बात करें तो इनएक्टिव स्टेट में होता है, लेट रेप्लिकेट करता है, इसके रीजन्स बहुत ज़्यादा स्टिकी होते हैं, ये पेरीफरी ऑफ द न्यूक्लियस में मिलता है और ये बहुत कम पार्टिसिपेट करता है ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी के अंदर। हिटरोक्रोमेटिन भी दो तरीके का होता है, फैकल्टेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूटिव हिटरोक्रोमेटिन, ये हम अगली वीडियो में ज़रूर पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के बारे में। तो मैंने आपको जिस तरह डायग्राम के अंदर दिखाया था कि सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन क्या होता है, सो लेट्स सी अगेन। तो यहाँ पे हम डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, दिस इज एक्चुअली द सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, ये प्राइमरी थी और ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन को NOR भी कहते हैं, दैट इज न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के बाद एक स्ट्रक्चर प्रोट्यूड आउट होता है जिसको हम सैटेलाइट या ट्राबेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है, इट इज प्रेजेंट इन द डिस्टल रीजन ऑफ एन आर्म। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन हमेशा एक आर्म के डिस्टल रीजन पे होती है, एंड इट एक्चुअली पिंच ऑफ ए स्मॉल नोब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ट्राबेंट और सैटेलाइट। तो इसके कारण क्या होता है, एक स्मॉल सा स्ट्रक्चर जो है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के आगे हमें जो निकला हुआ दिखता है उसको हम ट्राबेंट या सैटेलाइट बोलते हैं। एंड द सैटेलाइट इज अटैच टू द रेस्ट ऑफ द क्रोमोजोम बाय अ थ्रेड ऑफ क्रोमेटिन। ये जो सैटेलाइट है ये बाकी के क्रोमोसोम के साथ चिपकी होती है, अटैच होती है विद द मींस ऑफ ए थ्रेड ऑफ क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन की थ्रेड्स के मींस से जो ये सैटेलाइट है ये बाकी के क्रोमोसोम के साथ कनेक्टेड रहती है। यहाँ पे मैं बात करूँ क्रोमोसोम्स की जिनके पास सैटेलाइट होती है, तो जो क्रोमोसोम्स जिनके पास सैटेलाइट होती है उसको हम बोलते हैं सैट क्रोमोसोम्स। सो द क्रोमोसोम्स बियरिंग सैटेलाइट इज कॉल्ड सैट क्रोमोसोम्स। अगर हम ह्यूमन के कैरियोटाइप को पढ़ें, यानी कि ह्यूमन के क्रोमोसोम्स को पढ़ें, तो हमारे पास जो है 5 पेयर्स ऐसे होते हैं जिनके पास सैट क्रोमोसोम्स होता है। सो इन ह्यूमन कैरियोटाइप देयर आर 5 पेयर्स ऑफ सैट क्रोमोसोम्स। सो दीज आर 13, 14, 15, 21 एंड 22 पेयर्स। तो ये सारे के सारे जो पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं इनको हम सैट क्रोमोसोम्स बोलते हैं क्योंकि इनके पास सैटेलाइट मौजूद होती है। अगर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का मेन काम बताऊं तो इट इज कंसर्न विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस। हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियोलस स्ट्रक्चर होता है। तो जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है इट इज कंसर्न विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस, एंड दिस स्पेशलाइज रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। इस स्पेशलाइज रीजन को हम NOR यानी कि न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन बोलते हैं। द क्रोमेटिन ऑफ दिस रीजन इज अनकॉइल्ड। तो इस रीजन का यानी कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के जो रीजन है इसमें जो क्रोमेटिन होता है वो अनकॉइल्ड होता है, एंड इट पेनिट्रेट्स द न्यूक्लियोलस। द क्रोमेटिन ऑफ दिस रीजन इज अनकॉइल्ड एंड पेनिट्रेट्स द न्यूक्लियोलस, एंड दैट्स वाई दिस पार्ट इज लाइटली स्टेन्ड। तो हमें समझ आ सकता है यहाँ से बहुत इजी कि जो क्रोमेटिन है इस रीजन का वो बहुत ही अनकॉइल्ड है, जिसके कारण ये न्यूक्लियोलस में पेनिट्रेट कर जाता है। जब क्रोमेटिन न्यूक्लियोलस में पेनिट्रेट कर जाएगा तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बहुत लाइटली स्टेन्ड होगा। एंड द न्यूक्लियोलस जो है कब बनता है, मियोसिस खत्म होने के बाद। सो द न्यूक्लियोलस इज फॉर्म्ड एट पोस्ट माइटोसिस रिकंस्ट्रक्शन फेज, और इसको हम NOR भी बोलते हैं, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। दी NOR रिप्रेजेंट 0.3% ऑफ टोटल न्यूक्लियर DNA। क्रोमोसोम्स जिनके पास NOR यानी कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है उसको हम न्यूक्लियोलर क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। सो आई होप दैट सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इज क्लियर। नाउ द लास्ट इज द टीलोमियर। तो टीलोमियर हमने पहले देखा था डायग्राम के अंदर, जो टर्मिनल पार्ट है किसी भी क्रोमोसोम का उसको हम टीलोमियर बोलते हैं। ये जो टर्म है टीलोमियर, ये मुलर ने क्वाइन की थी। टीलोमियर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके पास स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं, और ये जो टीलोमियर है ये प्रिवेंट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं क्रोमोसोम को डिटेरियोरेशन से और फ्यूजन से। हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो यानी कि आसपास जैसे क्रोमोसोम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ये क्रोमोसोम्स आपस में फ्यूज ना कर जाएं या डिटेरियोरेट ना हो जाएं, तो उससे बचाने के लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होता है जिसको हम टीलोमियर बोलते हैं, और ये हमेशा टर्मिनल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। सो दे प्रोटेक्ट द क्रोमोसोम फ्रॉम स्टिकिंग टू ईच अदर। ये क्रोमोसोम्स को एक दूसरे से चिपकने से रोकते हैं। सो दीज आर एक्चुअली द टीलोमियर्स। और जैसे जैसे टीलोमियर्स हमारी बॉडी के अंदर, जैसे जैसे सेल डिवीजन होती है, सेल डिवाइड होते हैं, DNA रेप्लिकेट करता है, टीलोमियर्स जो है इनके जो रीजन्स हैं, इनके जो सीक्वेंस है वो कम होना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण एजिंग होती है। तो एजिंग या सेनिसेंस या एपोप्टोसिस जो है वो टीलोमियर के कम होने से होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर।
यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम हमारे पास खत्म होता है। हम अगर एक और बात करें क्रोमोसोम्स के ऊपर, तो क्रोमोसोम्स हमारे पास दो अलग अलग तरीके के भी हो सकते हैं, जिनको हम जाइंट क्रोमोसोम्स के अंदर इंक्लूड करते हैं, विच इज पॉलीटीन क्रोमोसोम एंड लैम्प्रश क्रोमोसोम। सो दीज टू डिफरेंट काइंड ऑफ क्रोमोसोम्स कैन बी ऑल्सो फाइंड इन द स्टडी ऑफ क्रोमोसोम। वेन वी सी क्रोमोसोम्स, वी ऑल्सो स्टडी पॉलीटीन एंड लैम्प्रश क्रोमोसोम्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वॉट इज क्रोमोसोम, देयर कैरियोटाइप एंड ऑल। सो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू रियली लाइक इट, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। थैंक यू।